लाइब्रेरी की उपयोगिता डिजिटल सूचना से कहीं ज्यादा प्रेरणा स्रोत है सीमा द्विवेदी, मछली शहर। राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी ने कहा है कि पुस्तकें जो अमिट प्रभाव मन मस्तिष्क पर छोड़ती है वह डिजिटल सूचना से संभव नहीं हो पाता है। कहा, मोबाइल और कंप्यूटर पर परोसा गया ज्ञान पुस्तकों में लिखे गए ज्ञान के बराबर ही होता है, लेकिन पुस्तक पढ़ने से जितना ज्ञान मन मस्तिष्क में बटोरा जा सकता है वह डिजिटल माध्यम से कदापि संभव नहीं है। इसलिए लाइब्रेरी की उपयोगिता प्राचीन काल से लेकर आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। श्रीमती द्विवेदी ने नगर में स्थापित सनराइज सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर उक्त बातें अपने संबोधन के दौरान कही। इस मौके पर संस्था के डायरेक्टर राजन सिंह और राहुल अग्रहरी ने सांसद को बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी गिरेंद्र सिंह ने लाइब्रेरी खोले जाने की सराहना करते हुए कहा कि गरीब निर्धन लोग इस वातानुकूलित लाइब्रेरी में बैठकर ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। प्रमुख उपस्थित लोगों में भाजपा नेत्री अर्चना शुक्ला, ओम प्रकाश अग्रहरी, सुनील मौर्या, रवि अग्रहरी, आशीष अग्रहरी, अमित सिंह, शशि प्रजापति, विशाल अग्रहरी आदि थे। संचालन एडवोकेट और पत्रकार अनुराग सिन्हा ने किया। दीदी मछली छठ जैसी जगह पे इसकी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है और सही भी है। एक अब भी बैठी राजन भाई, ए राजन, राजन राहुल देखिए राजन भाई, इधर देखिए राहुल, इधर देखिए फोटो खिंचाई आप लोग, आपको खींचना चाहिए।